हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का रविपाल व्लॉग्स में स्वागत है। तो देखिए, दोपहर का टाइम है और घर का हमारा सारा काम हो चुका है, खाना वाना भी हमारा सभी हो चुका है। तो अभी हमने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, और हमारी जो बेटी है गुड़िया रानी अर्णिका, वो भी सो रही है। और जब ये सोती है तभी हम व्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि जब ये उठी रहती है और कभी कभी हंसती रहती है तो जब बना लेते हैं, लेकिन रोती रहती है, फिर इसके साथ में टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। तो सभी खाना वाना खा के लेट चुके हैं, मम्मी बाहर लेट रही धूप में, और मैं और अर्णिका लेटेंगे यहाँ पे। हम भी धूप में से ऊपर छत पे थे, आ गए हैं नीचे, क्योंकि ऊपर हवा चल रही है इसी वजह से। तो बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक, मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर बाद। अभी अर्णिका के पास लेटते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हम आ गए हैं नीचे, और अभी वह है सुबह का टाइम, सुबह के बज चुके हैं 10। तो यहाँ पे आज जो है अनाज बोया जाएगा हमारे खेत में, तो उसे हमने रात भिगो के रख दिया था पापा ने, और उसे रखा जाएगा भूस में, दबाया जाएगा जिससे कि वो जड़ जाए, उसमें घुंडर निकल जाए, और फिर बोने में आसानी होगी, जल्दी से वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लेट हो गया ना गेहूं बोने को। अब भिगो के यहाँ पे रख रखा, ये देखिए इसमें भिगो के रखा हुआ है टप में यहाँ पे, और फिर ये फूल चुका है, और भूस में दबाने के बाद इसमें इतनी बड़ी बड़ी गुंडा निकल जाएगी, जैसे जम जाता है खेत में, और फिर जल्दी से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि गैस सी बन के उसमें, और थोड़े थोड़े दो कट्टों में करके से रख देंगे निचोड़ के। मम्मी ने कहती निचोड़ के रख दे, निचोड़ तो खुद जाएगा इसमें, कट्टे में को पानी है ना, अब झरना लेके आऊं, झरने में को निचोड़ है, झरने में को निचोड़ लो। चलो मैं पकड़ रही कट्टा, और आप यो हाथ से निकाल लो, वरना मैं निकाल दिया हाथ से, पर आप ही निकाल दो, ज्यादा ठंडा पानी हो रहा रात का। ये देखिए, इसे ऐसे करके हाथ से निकाल लो, और मैं कट्टा पकड़ ली, और फिर इसे निकाल के और कट्टे में थोड़े थोड़े दो कट्टे में भर के रख देंगे, पानी निचुड़ जाएगा इसका सारा का सारा ऐसे। अभी वैसे झरने में सही रहता, पर फिर आपको सारे को पानी पानी हो जाएगा। चलो मैं पकड़ ली। देखिए फ्रेंड्स, आधा हमने इस कट्टे में भर दिया है अनाज, ये देखिए गेहूं इसमें, और कुछ बचा है दूसरे कट्टे में भर के रख देंगे भूस में, ये देखिए। और जो पानी था हमने यहाँ पे डाल दिया है वो, और गोरी ये रही घास खा के अलग बांध दी है, और श्यामा ये रही गोरी श्यामा, और ये मंगलू हो रहा, आज बोरी उतार दी इसकी, गिल्ली कर दी थी इसने। तो चलिए जी, ये देखिए भर रहे हैं ऐसे, उठा के बस दबा दियो आप उसमें। अर्णिका भी सो रही, जब हम नीचे आ गए, लाइट आ रही, फिर मुझे कपड़े धोने हैं उसके, अर्णिका के बहुत सारे पड़े कपड़े। खेत में जाओगे आप? और फिर पापा तो डाई का कट्टा और यूरिया का कट्टा भी लेके आएंगे, जो खाद होता है वो लेके आएंगे, उधर से उधर ही खेत में गए हैं अभी मम्मी पापा, और इन्हें जाना है शॉप पे। यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं अंदर रूम में, और यहाँ पे दबा देंगे भूस में से, भूस डाल लो उसके ऊपर, कट्टे का मुंह बांध के रखोगे, वैसे रखोगे काफी वजन हो जाएगा इसमें, तो पानी निकल रहा अभी भी, ये देखो निचुड़ जाएगा पानी इसमें से। ऐसा करना चाहिए तो सुबह झरने में रख देते थे, और उसके बाद रखी थी, बहुत सारा टंकी की तरह, ये देखो यहाँ पे रख दिया ये, और इस पे भूस डाल दो जो काफी सारा, कल तक जड़ जाएगा, परसों तक, दो दिन में, कल को तो काल लगे थे, कल को सुबह ही निकाल लेंगे, कल तक जड़ जाएगा ये, गैस से बन गई इसमें। ओके जी, चलो चलते हैं हम भी छत पे ऊपर। और ये देखिए पशुओं की खल का कट्टा लेके आए थे,
ये रखी एक टंकी भरी हुई है, इस टंकी में पीस के रख लेते हैं आटा, यानी दलिया तो अभी खत्म होने लग रहा, तो फिर दोबारा से और पीस के रख लेंगे अपनी चक्की में। मैं आ गई हूँ छत पे और अर्णिका भी सो रही है, ये देखिए मुंह नहीं ढकती है। तो फिर इसके कपड़े चेंज करने हैं हमें। कब आती होगी? ओहो, अरे बहुत परी बननी आज तो मैं। अच्छा हाथ पैर तो हिला ले, हाथ पैर तो हिला ले, है हिला ले हाथ पैर। हाँ अरे मैं तो बहुत सोना लग रहा नुको आज, मैं गरम जोड़ा पैर रखा मैं तो। हाँ गरम है, गरम पैर रखा ना। हाँ अब तेरे साथ कोई बात नहीं करता, बात नहीं करता कोई है मेरे बच्चे के साथ, कोई बात नहीं करता। अच्छा सबको बोल कर दिखा दे। हाँ परा फ्रेंड्स देखिए, आज मम्मी करने वाली है नए चूल्हे की ओपनिंग, और यहाँ पे जो पुराने वाला चूल्हा था ये हटा दिया है क्योंकि ये टूट के काफी टूट चुका था और काफी पुराना हो गया ना, तो मम्मी ने नया चूल्हा बनाया था। ये देखिए इसे अब जो जोड़ देगी मम्मी यहीं पे, तो ये देखिए जी इसे मिट्टी को उठा के कल को खेत में ले जाया जाएगा, वहां पे डाल देंगे कूड़ी पे जाके। और बढ़िया बना रखा मम्मी ने चूल्हा, इसकी वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा पाए, काफी टाइम पहले बनाया था ये भाई दो से पहले दिवाली से भी, और तो मम्मी छत पे है फिलहाल, जब इसे जोड़ेगी तो दिखाएंगे मम्मी। और इस चूल्हे की चल रही है रिपेयरिंग। रिपेयरिंग क्या, नया ही लगा दिया, पुराने वाला ये रखा, ये डैमेज हो चुका था, टूट चुका था, तो मम्मी ने ऊपर बनाया हुआ था ये, इसकी चल रही है चिनाई आज, और इसको सेट किया जाएगा। मिट्टी से गारा बनाया हुआ है, मिट्टी हम खेत से लेके आए थे, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है मिट्टी में, हैं मिट्टी में तो खुशबू आ रही बहुत बढ़िया। और ये यहाँ पे सेट किया जा रहा है अब जा, और ये एक दो दिन में सेट हो जाएगा अच्छी तरह मम्मी। और गांव में तो ज्यादा काम इससे ही लिया जाता है बहुत ज्यादा, इसलिए जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। 6-7 महीने मम्मी है, ये 2 साल चल गया। और इस वाले की एक्सपायरी डेट होगी, 2 साल चला हुआ पूरे, यानी कि मेरी शादी से पहले लगा था है। ठीक, अब इसकी सेटिंग चल रही है, मम्मी बना रही है, इस पे प्लास्टर भी होगा है, प्लास्टर यानी गारे की चिनाई होगी इस पे, चुगड़ दे वो बिल्कुल प्लान हो जाएगा, जो अभी खड़दरा लग रहा है वो नहीं लगेगा फिर। तो बने रहिए, दिखाते हैं आज आपको चूल्हे की रिपेयरिंग। दूध पिला रही उसे, मुझे 3 साल लग रहा है। नहीं इसमें टाइम लगेगा, जब तैयार हो जाएगी तो जा रहा होगा तेरे में के अखरोट। फ्रेंड्स देखिए चूल्हा जो है अच्छी तरह मम्मी ने लगा दिया था, और इस पे गारा लगा के फिट कर दिया था, और गारा बनाया जाता है जो पशु भूस खाते हैं उससे, और मिट्टी का
तो उससे मजबूती हो जाती है, देखिए कितना अच्छा होगा। तो फिर इसे कल को जला लेंगे हम।